नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे बनाना पकोड़ा बनाना। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बनाना पकौड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पतीला लेना है। पतीले के अंदर हम 10 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। अब बेसन के अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब बेसन के अंदर हम 1/2 टेबल स्पून अजवाइन को हाथ में क्रश करके डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम बेसन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब एक कटोरी के अंदर हम 4 टेबलस्पून चावल भिगो करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 घंटे चावल को पहले से भिगो के रखा था। अब हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेंगे। ग्राइंडिंग जार के अंदर हम चावल को डाल देंगे। उसके बाद चावल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके हम चावल को ग्राइंड कर लेंगे। अब बेसन के बैटर के अंदर हम चावल का पानी डाल देंगे। उसके बाद दोबारा से चावल और बेसन के बैटर को हम मिक्स करेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 कच्चे केले लेने हैं, जिसका हम छिलका हटा करके हम केले को अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पे हमने कच्चे केले के छिलके हटा दिए हैं, अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। अब हम कच्चे केले के पतले पतले स्लाइसेस कट करेंगे। अगर आपको केले के कोफ्ते का रेसिपी जानना है तो मैंने इस वीडियो के ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिया है, नहीं तो आप मेरे चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों कच्चे केले को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें कच्चे केले को पतले स्लाइसेस में कट करना है। अब हम बेसन के बैटर के अंदर हमने केले के जो पतले पतले स्लाइसेस कट किए थे वो हम बेसन के बैटर के अंदर डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे लोहे का कढ़ाई लेना है। कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे। उसके बाद हम केले का स्लाइसेस एक एक करके डालेंगे। यहाँ पे हमारा केले का पकौड़ा एक साइड से पक चुका है। अब हम दूसरे साइड से केले के पकौड़े को पकाएंगे। यहाँ पे अब हमारा केले का पकोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। उसके बाद हम केले के पकोड़े को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पे अब हमारा केले का पकोड़ा बन करके तैयार हो चुका है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर के आती हूँ, तो चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।